गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज फिफ्थ ऑफ सितंबर 2023 आज टीचर्स डे है हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स डॉलर इंडेक्स अभी है 104.14 कल यूएस हॉलिडे था ड्यू टू लेबर डे इसके कारण ज्यादा कुछ मींस डॉलर इंडेक्स में कुछ मूवमेंट था ही नहीं एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड द मेजर करेंसीज अभी यहां पे case, यहां पे द एक डबल टप बनाया हुआ है इज एट प्रीवियस जोन क्या ये आपका हंड्रेड एंड फोर पॉइंट फिफ्टी हंड्रेड एंड सेवेंटी जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है या आपका ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ 105 150 105 50, 70 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है नीचे अगर आता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रांग क्लोज देना पड़ेगा फॉलो बाय फॉलो थ्रू तभी जाके सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर रुपी कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन साइडवेज मूवमेंट इन बिटवीन कर रहा है एंड दिलिटी अबाउट दास्ट कपल ऑफ डे जो कैंडल का स्ट्रक्चर देखोगे प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम दैट बीन देश टू एट्टी से क्रुशियल रेजिस्टेंस जोन अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा एक बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक इस रेंज के अंदर में रहते हैं 80 50, 80 85 के बीच में रेंज के अंदर में रहते हैं तो शांति बनाए हुए होंगे मोर द कंसोलिडेशन, मोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए ग्रेट ब्रेकआउट हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा

1.2750 ज़ोन के ब्रेकआउट करने पे जीबीपी डॉलर पे हम कुछ एक बढ़िया सा अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक इसके हाई को स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है तो वहाँ पर कुछ टिल दैट टाइम साइडवाइज कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड जीबीपी आई एन एर में भी आउट साइड इन साइड प्लसो दू इसके नेक लाइन के ऊपर ही हम कुछ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीबीपी आई एन एर में जो है आपका हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट थर्टी से हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट फोर्टी इस नेक लाइन के ऊपर ही हम एक अच्छा खासा अप मूव के लिए इंतजार कर सकते हैं इन द मीन टाइम जैसे जैसे इस नेक लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा इमीडिएटली एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसको भी ये क्लोज करने का प्रयास करेगा सो so, हमें देखना है क्या यहाँ पे ये जो नेक लाइन एज वेल एज द इनक्लाइंट रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन जो है उस दोनों को साइमल्टेनियसली ब्रेक आउट करते हैं ऊपर की तरफ इन सच ए केस हमें एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज साइडवाइज कंसोलिडेशन बरकरार रह सकता है यूरो आईएनआर अभी है 1.0793 ये आपका दोबारा जो स्विंग लो है डेटेड 25 अगस्त वहीं पे आके कंसोलिडेट कर रहा है देयर बाय मेकिंग आउटसाइड फॉर द बॉल उट साइडमेंटअप्ट इसका भी सिमिलर लाइन पे एनालिस होगा यहाँ पे एक नेकलाइन होगा इस आउटसाइड इन साइड या डब्ल्यू पैटर्न का इस जब तक प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देता है तब तक यूरो अच्छा खासा अपमूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कर यहाँ पे ऑल्सो आर एस आई डाइवर्जेंस भी है फाइव बार डाइवर्जेंस सिक्स बार डाइवर्जेंस सो दैट इज ऑल्सो गिविंग एन इंडिकेशन कि इस नेक लाइन के ऊपर एक हमें स्विंग हाई that means your 1.2750 से 1.1.2730 से 1.2750 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन इस नेक लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रो भी चाहिए सिमिलर लाइन पे यूरो आईएनआर यहां पर भी जो आपका 25 अगस्त का लो था वहां पे आके प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है व्हिच इज आल्सो द प्रीवियस सपोर्ट लाइन एट 89 लेवल्स आल्सो बोलिंजर बैंड सेटअप आउटसाइड इनसाइड फर्स्ट टारगेट यहां तक है आपका जो नेक लाइन है यहां पे ये है आपका 90 30 से 90 50 इस neckline के ऊपर देने, देने के बाद हमें एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विच मे टेक फर्स्ट यूरो आयनर टर्स 91 20 91 30 वन एंड अगर उसके भी ऊपर चले जाते हैं प्राइस इन सच इज द स्विंग हाई दैट मींस योर 92.15 से 92.25 आल्सो आरएसआई पे आपका डाइवर्जेंस दिख रहा है इट्स ए सिक्स बार आरएसआई डाइवर्जेंस सो हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक इस नेकलाइन के ऊपर स्ट्रांग क्लोज नहीं दे देता है डॉलर येन में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है येन अप्रिशिएट करने का नामो नहीं है दैट मीन द केस यहाँ पे एक मॉडिफाइड ट्रेंड लाइन है क्योंकि पहले इस लेवल पे था अभी यहाँ पे आ चुका है इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है एंड फॉलो थ्रो तभी जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है एक कंसोलिडेशन हो रहा है सिंस अगस्त सो मोर देन डेज से यहाँ पे एक चार चार आठ चार बारह तेरह चौदह पंद्रह यस yes. फिफ्टीन ट्रेडिंग डेज से यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है इट इज गोइंग टू टेक एक्सीलेंट ट्रेडिंग सेटअप विच इज नथिंग बट अ डाइवर्जेंस कम योर रेन शिफ्ट डाइवर्जेंस कम रेनशिफ्ट इज ए ग्रेट इंडिकेशन कि प्राइस शार्पली में मूव डाउन लेकिन उसके लिए हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रो भी चाहिए इन सचे केस हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है डॉलर पे वो है आपका वन फाइव के आसपास सेकेंड टारगेट हमारा ये जो स्विंग लो है 138 के आसपास लेकिन उसके लिए अभी तक हमें कुछ आपका प्राइस सेक्शन का जो कंडीशन है वो चाहिए दिस रेंज के बारे में हम बात कर रहे थे आगे अभी ये जो रेंज है एक बॉक्स बना रहा है इस बॉक्स एज अ ग्रेट रिलेवेंस प्राइस कॉन्ट्रेक्शन इन बिटवीन दिस रेंज एक बार अगर नीचे के तरफ आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे बल्ले-बल्ले का मतलब आपका एक सेलिंग हो सकते हैं अभी तक हुआ नहीं है इट्स एन एडवांस अलर्ट सो हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए जेपीवाई आई एन आर यहाँ पे एक ये मॉडिफाइड

हमें चाहिए था जो अभी तक हुआ नहीं है केस यहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए और इन द मेन टाइम यहाँ पे प्राइस जो है आरएसआई एस डाइवर्जेंस के बाद नेकलाइन पे आके रेजिस्टेंस फेस करता है एक बार नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे देता है इन सच केस जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट हो सकता है वो है आपका पॉइंट की तरफ सी एन चाइनीज पी इज टेकिंग लॉट मोर मेजर्स

Is a level. पे क्या ये ये कुछ देते हैं या नहीं? ये हमें देखना पड़ेगा क्या indications? Indications की price is at this level. क्या की यहाँ पे कुछ आता है अभी तक तो कुछ आया नहीं है सिर्फ कल का जो प्राइस सेक्शन है वो है आपका स्मॉल बॉडी कैंडल सो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा यूएस टेन ट्रेजरी अच्छा खासा कल बाउंस बैक किया फ्रॉम द लो ऑफ 4.04 करेंटली एट 4.1875 तो यहां पे हमें देखना है ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है बेसिकली कल यूएस हॉलीडे के लिए कुछ यहां पे प्राइस एक्शन दिखा नहीं है तो हमें बेसिकली इस लेवल जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस दैट मीन दैट इस लेवल के यहां से क्या नीचे आता है ये हमें देखना पड़ेगा यूएस टू ईयर ट्रेजरी यहाँ पे जो फ्राइडे को एक पिन बार बनाया हुआ है ये पिन बार एक्सीलेंट पिन बार है इसका कारण क्या है ये सपोर्ट लेवल पे बनाया है इस पिन बार के हाई के ऊपर एक आप मूव हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 5.07 5.08 तक सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा सो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे एड